तो बाइक आज भी वॉश करवा लें क्या? क्या साइड में बाइक रोको, ठीक हो? और रिया ठीक हो? क्या हुआ? तो यार इसे एकदम चक्कर आ गया, धूप भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ट्रैफिक और धूप जब होता है तो हालत ख़राब हो जाती है बंदे की। ये देखो भगाने को कह रहे हैं भाई मेरे से, ये देखो ये देखो ये देखो। तो इस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी गिर जाती है, कभी मेरे ऊपर प्रैंक कर देती है, कभी कुछ कर देती है। बताओ बताओ नहीं अभी बताओ गाइस को भी, ये भी तो मेरी फैमिली है। तो नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जल्दी कमेंट करो, जो भी आपके होगा उस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट ब्लॉग होगा। ठीक है भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहो। ठीक है, सो है गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल, दिस इज मिशा। सो आज का लोग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पहली बात तो यार मैं दिखा देता हूँ मॉर्निंग मेरी कितनी बजे हुई है आज। मतलब मैं रात सो गया था, जल्दी सो गया था, लेकिन यार लेट उठ रहा हूँ। जब से मैं जिम कर रहा हूँ ना, जल्दी सोता हूँ और लेट उठता हूँ। ये देखो 2:42 हो रहा है इस टाइम, टाइम इतना हो रहा है। तो कल मैंने लेग्स लगा लिए, जो कि मैं मोस्टली लगाता नहीं हूँ। तो जो वो है हमारे तस्लीम भाई, उन्होंने कहा भाई तू आज लेग्स लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तू लेग्स लगाएगा। मैंने ठीक है भाई लेग्स लगाता हूँ। तो लेग्स की हालत भाई ऐसी हो गई ना मेरी, हालत ख़राब हुई पड़ी आज। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, मैं जानता हूँ यार कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब से हो सकता है डेली ब्लॉगिंग देने की कोशिश करूँ आपको। बाकी तो अभी जल्दी जल्दी से बाइक को लेके निकलते हैं। तो मैंने यार कुछ दिन से बाइक भी नहीं चलाई अपनी, तो देखते हैं क्या सीन देता है। बाकी तो अब मैं ब्लॉग चैनल पर अपडेट देने की कोशिश करूँगा। पहले भी मैं यही कहता हूँ, हर बार यही कहता हूँ भाई डेली अपडेट आएगी, अब डेली अपडेट आएगी, लेकिन दे नहीं पाता। तो कोई दिक्कत नहीं यार, परेशानी आती रहती है अपनी। मतलब रियल लाइफ को भी देखना पड़ता है, सोशल मीडिया लाइफ को अलग देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी तो जल्दी जल्दी लेके निकलते हैं बाइक को, आपसे मैं बाइक में मिलता हूँ। अभी रेडी वगैरह हो जाता हूँ मैं, अभी उठा था सो के। तो देख सकते हो तुम कितने कितने बजे उठ रहा हूँ भाई मैं। मतलब मैंने सारे रूटीन अपने बिगाड़ लिए हैं, तो इन्हें सारी चीज़ों को सही करेंगे वक्त के साथ। सो फाइनली गाइस ये खड़ी है अपनी बेस। तो इसे मैं काफ़ी दिन बाद यार कोल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कोल्ड स्टार्ट क्या अलग ही वाइब आती है मेरे को, आपको आती हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो अलग आती है। ये जब लिखा हुआ था ना BMW, ओ हो यार दिल को सुकून मिल जाता है। तो कोल्ड स्टार्ट यार 4-5 दिन बाद हो गई है, लेकिन बाइक को यार वॉश वगैरह भी करना है। तो मैं इतना कपड़ा निकाल के यार कपड़ा मार लेता हूँ इस पर, क्योंकि मेरे को ऐसी बाइक अब यार पसंद नहीं है बिल्कुल। तो मैं बाइक पे ध्यान नहीं दे पाता था यार, बिल्कुल भी यार ध्यान नहीं दे पा रहा इस पर। ये देखो कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है इस पर, तो थोड़ा बहुत मार लेते हैं यार, नहीं तो बाइक कहेगी यार बिल्कुल ही मेरे पे ध्यान नहीं देता। शाफेज तू क्या कर रहा है यार, क्या करता है तू, क्या करता है इतनी प्यारी चीज़ लेके। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं यार। तो आज का वेदर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, बाकी मेरे आगे यार RS वाले को चेक करो, 3 जने बैठे हुए और किसी ने भी हेलमेट वेयर नहीं कर रखा, और यार ऐसा भगा रहा है बस पूछो ही मत। देखो तो देखो यार ऐसा मतलब बेस करते हैं, क्या है बोलूँ मैं। तो इनसे बहस करना बेकार है, इससे अच्छा मैं ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ, जो ये बहस ही ना कर पाए। अदरवाइज तुम्हें पता यार उन्होंने किसी ने भी हेलमेट वेयर नहीं कर रखा था, तो मैंने चाहता यार किसी को दिक्कत हो मेरी वजह से, तो इसलिए हम आराम आराम से चलते हैं। बाकी सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुँच गए। तो यार आज तो लेग्स लगा ली थी ना मैंने, आज नहीं कल लेग्स लगा ली थी सैटरडे में, तो मेरी हालत ख़राब हो ही पड़ी है यार। मतलब इतनी ज़्यादा वेयर वो ये देखो भगाने को कह रहे हैं भाई मेरे से, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो आओ यार भगाते हैं यार, ओपन चैलेंज कर रहा है मेरे को यार, यहाँ पे उड़ेंगे ये जड़े। तो यार बंदे मेरे से मतलब साफ भगाने को कह रहे हैं, बीच वाले कह रहे हैं यार। तो आओ भाई साहब, आप नहीं पकड़ पाओगे आप मेरे को, सॉरी। ये रेस यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। बाकी तो मेरा वाइदर में कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है ना, तो वाइदर में कुछ ही दिख ही नहीं रहा। तो यार 3 जने बैठे हुए थे और किसी ने भी हेलमेट वेयर नहीं कर रखा था, और ओपन चैलेंज कर रहे हैं भाई रेस कर लो। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं यार मेरे को, जब GoPro लगा के निकलोगे ना आप तो एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे। लेकिन जो भी था यार अब भाई अच्छी भगा रहे थे यार बाइक, कोई डाउट नहीं है। अगर 2 जने हुए यार, 2 जनों को बैठा के वो करो मतलब राइड, और हेलमेट भी वेयर करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यही चीज़ करो यार, बाकी अच्छी चला रहे थे यार, कोई डाउट नहीं है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो मेरा यहाँ पे दिल्ली में रहने का मन ही नहीं कर रहा, इसलिए कमेंट करके बताओ यार मेरे को बाहर कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ का आप मतलब ब्लॉग देखना पसंद करोगे, कश्मीर मनाली वगैरह जो भी आप कमेंट करोगे वहीं पे भी निकल जाएंगे बाइक को लेके कुछ दिन में। बाकी तो आप कमेंट करो, देखते हैं जिसकी ज़्यादा कमेंट आती है जिस सिटी की, तो वहीं पर चलेंगे यार, मज़ा लेंगे, मतलब पूरे ब्लॉग आएंगे आपके लिए। बाकी तो आप अभी जल्दी जल्दी कमेंट करो यार कहाँ पर जाना चाहिए हमें।
यार दिल्ली में सच में मेरा मन नहीं कर रहा, देख रहे हो आप, मतलब इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, हालत ही ख़राब हो ही पड़ी है, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो रोड से। और एक बार ऊपर देखूंगा तो कुछ दिखने का ही नहीं है मेरे को, सामने से ही सूरज मेरे मुंह पर पड़ रहा है। इसलिए यार मेरे ब्लॉग बनाने का और मन नहीं करता, मतलब निकले भी तो बंदा किस टाइम निकले, शाम का टाइम निकलता है तो ब्राइटनेस लो हो जाती है 5-6 बजे का टाइम, और सुबह का टाइम निकलता है तो ये धूप होती है, तो ये दिक्कत पड़ रही है बस। अदरवाइज़ यार कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में, दिल्ली अपना बहुत बेस्ट है यार, हर चीज़ अवेलेबल रहती है यहाँ पे। लेकिन बस यार ये धूप और कम हो जाए ना तो यार फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिल्ली में सारी चीज़ अवेलेबल है, बस धूप और कम कर दो यार। यार यहाँ रोड पे आते ही मेरा मतलब इतना ज़्यादा भगाने का मन करता है ना बाइक को, खींचे जाओ बाइक को यहाँ रोड पे, ये रोड ही ऐसा देख सकते हो आप, रोड कितना ज़्यादा प्यारा रोड है, एक भी ब्रेकर नहीं, एक भी गड्ढा नहीं, बस भगा जाओ बाइक को। ओ भाई यहाँ पे अगर सुपर बाइक जब अपने पास होगी ना, ऐसे निकाले करेंगे सुपर बाइक जो, बहुत ज़्यादा मज़ा आए करेंगे यार, बस जल्दी जल्दी से सुपर बाइक आ जाए अपने पास, सारे ड्रीम्स अपने पूरे करेंगे अपने दम पे। तो इसलिए मेहनत करनी है, अभी क्या करना है हमें, मेहनत करनी है, कुछ भी हो यार मतलब अपने घर वालों से मतलब अपना आप मेहनत करो, सोचो यार कैसे लानी है वाली चीज़, सारे ड्रीम पूरे होते हैं यार, बस क्या मांगता है ऊपर वाला, मेहनत करो यार। घर में बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, या किसी से जल के कुछ नहीं होगा यार, मुझसे काफ़ी लोग जलते हैं यार, जल के तुम्हें क्या मिलना है भाई, ऊपर जाके क्या हिसाब दोगे, क्या जब ऊपर वाला तुमसे बैठ के पूछेगा भाई तुमने पूरी लाइफ में क्या करा, क्या बोलोगे भाई, मैं खाली जला, मैंने जल जल के अपनी काली कर ली और कुछ नहीं करा पूरी लाइफ में भाई। इसलिए जलने से कुछ नहीं होगा यार, अपनी लाइफ में कुछ करो अपना। तो बस यही कह रहा था गाइस, अपनी लाइफ में यार अच्छी अच्छी चीज़ें करो, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स भी यार प्राउड फील करें तुमसे यार, किसी से जल के कुछ नहीं होगा, तुम जलते हो यार तुम्हारा मतलब क्या लेके खागा यार इंसान, अगर तुम किसी से जल भी रहे हो भाई, अगर कोई गलती भी करता है यार उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने वाले से बड़ा कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं रखा यार किसी चीज़ में, बस अपने ऊपर फोकस करो यार, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ यार, आए किस लिए यार, पेरेंट्स ने हमें बचपन से लेकर बड़ा करा है, तो अब हमारा क्या गोल है, अपने पेरेंट्स को यार खुश रखना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इतना करा है ना आपके लिए, बचपन से इतना कर दिया भाई, और क्या लोग है यार, कौन करता है, तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बस ऐसे लोग पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारा मतलब बचपन से लेकर ध्यान रखते हैं, हमारे अच्छे कपड़ों का, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई का, हमारा बेटा कुछ बने बड़े होके। और बड़े होके आप क्या करते हो, जो हेटर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, आइए लवर के लिए नहीं, जलते हो भाई, तो जल के कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप मेरे स्टिल हेटर हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं फोकस ही नहीं करता, लेकिन मेरा समझाने का वो है, अगर आप मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हो और आप मेरे से जलते हो बिना फालतू में, मैंने आपका कुछ नहीं करा है, तो भाई उससे कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, अपने ऊपर ध्यान दो यार, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, उससे बड़ा गोल कोई नहीं होगा। जब आपके पेरेंट्स के फेस पे एक स्माइल होगी ना प्यारी सी आपकी वजह से, तो आपको उस दिन पता लगेगा हाँ मैंने कुछ करा है अपनी लाइफ में। तो इसलिए यार अपने पे ध्यान दो, बस इतना ही कहना था, बाकी तो जिसे जलना है यार अब भी जलते रहो, मेरे उन पर फोकस ही नहीं करता, आपको शुरू से ही पता है। तो यार ओ यार टनल के नीचे कितनी प्यारी आवाज़ आती है ना मेरी बाइक की। सो फाइनली गाइस देख सकते हो हमारे साथ कौन है, कौन हो तुम? दिया। मेरी फैन है। हाँ। तुम मेरी फैन हो? ओ अच्छा अच्छा। हाँ क्या हो? पहले थी और अभी भी हूँ। पहले थी अभी भी हूँ, मतलब तुम फैन हो मेरी? सीरियसली? चलो मेरा एक क्यूट सा फैन मिला यार मेरे को, है ना? हाँ, तो बहुत बड़ी फैन है। अच्छा कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। तो यार ये मेरी फैन बन गई, ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी फैन है, ठीक है? मजाक कर रही हूं। बाकी यार बाय द वे क्यूट लग रही हो आज, देख सकते हो यार इसकी ड्रेसिंग क्यूट लग रही है, वेलकम। तो आज का क्या प्लान रहने वाला राइड करें? आज का प्लान है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और धूप में खड़े होकर इंट्रो दे रहा हूँ आपके लिए, तो पसीने पसीने में तर हो जाएंगे दोनों। तो अभी तो यार इसने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दी, मैं इंतज़ार कर रहा था इतनी देर से। लेट क्यों करती हो, तुम्हारे बात कहाँ पे चली जाती हो? मैं कहीं नहीं जाती, मेरे को ट्रैफिक मिलता है बहुत, बात ये है भाई ट्रैफिक, इसका ट्रैफिक ही नहीं ख़त्म होने का भाई, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसका ट्रैफिक कभी नहीं ख़त्म होगा भाई, ट्रैफिक है फाटक है ना, यही दो महीना बस। तो अभी तो जल्दी जल्दी से चलते हैं यार राइड पे, फिर कुछ खाना पीना है, भूख लग रही है तो फिर कुछ खाते पीते हैं, इसे भी भूख लग रही है और मेरे को भी भूख लग रही है, तो पहले तो एक छोटी मोटी राइड करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी निकलते हैं और आज रिया बाइक चलाने वाली है, ठीक है? चला लो यार, गिर जाऊंगी। नहीं गिरने की, नहीं गिरने की, क्यों? ओह यार हील्स पहनने की, लेकिन जब भी मेरे से छोटी है लड़की, देखो मैं सीधा इसके खड़ा हूँ, कितने भी बड़े हो जाओ मेरे से छोटी रहनी हो, छोटी ठीक लगती है तुमसे? क्यों? लड़कियाँ छोटी अच्छी लगती है, वो तो गर्लफ्रेंड वगैरह रखती है ना, तुम तो मेरी फैन हो, क्या हो तुम मेरी? वाइट। वाइट?
नहीं ब्लैक हो वाइट तो गाइस चलते हैं अभी जल्दी जल्दी से राइड पे, बाकी अपनी बीस्ट को करते हैं स्टार्ट। और इसमें पेट्रोल भी नहीं है, पहले तो पेट्रोल फिल करवाने चलते हैं फिर देखते हैं कहाँ की राइड रहती है। सो गाइस अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं यार, बाइक में पेट्रोल फिल करवाते हैं और फिर चलते हैं आगे की साइड, क्योंकि यार बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, देख सकते हो आप फ्यूल लेवल ओनली 2 सेल है। तो अभी पेट्रोल फिल वगैरह करवाते हैं तो फिर आगे की साइड जाएंगे। तुम कर दो क्या? पेट्रोल फिल तो करवा रहा हूँ मैं, पैसे तुम दोगी ठीक है आज पक्का। चलो गाइस क्या बैग वहीं पे रख दिया भाई, बैग ही भूल गई। देखो जब जहाँ पे हम इंट्रो दे रहे थे वहीं पे बैग भूल गई। ये लड़की हमेशा उल्टे ही काम करती है। बैग अच्छा नहीं लगता क्यों? तुम्हारी ड्रेसिंग बिगड़ जाएगी बैग टांगने से। बैठ नहीं पाती, इधर आ जाओ पेट्रोल फिल करो मेरी बाइक में। तुम करो ना, तुम क्यों नहीं कर सकते? देखो वो लड़की भी खुद ही कर रही है, देखो खुद ही करके गई है ना वो अंदर, है कोई आसपास? हाँ तो फिर वो खुद ही कर रही है ना, तो तुम भी करो, तो उन्हें भेज के करो। ठीक है भाई ठीक है, तो अभी पेमेंट वगैरह करते हैं फिर आगे की साइड चलते हैं। यार मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाएंगे पियेंगे पहले राइड करके एक प्यारी सी। सो अभी गाइस मेरे को रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है क्योंकि रिया अपना बैग वहीं पे भूल गई आंटी की दुकान पे। उल्टे काम ही करती रहे ना, बैग क्यों भूल गई वहाँ पे? भाई कह रही है मैं बैग संभाल दिया खुद को संभालूं। नहीं भाई तुम पापा की परी, तुम खुद को ही संभालो। हाँ सही कह रही हो, बहुत सामान था भाई इसके बैग में, 1-2 क्विंटल का बैग था, क्या ही कर सकते हैं। बस 1-2 क्विंटल से याद आया, मैंने कल थाई पे लगाया 130 किलो, तो 130 किलो से मेरी थाई ऐसी हो गई ना, बस हालत ही ख़राब हो ही पड़ी है मेरे, इतनी ज़्यादा लेग्स में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने थाई लगाई थी कम से कम भाई 6 मंथ बाद, और इसे देखो चाचा। तो रॉन्ग साइड में यही दिक्कत रहती है, तो आपको मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देता कि रॉन्ग साइड से जाओ, अपना राइट साइड से जाया करो। यहाँ पे मतलब आगे बहुत ज़्यादा यू टर्न था यार, इसलिए मैंने रॉन्ग साइड से ले ली, मैंने कहा यहाँ से पास पड़ेगा। यार मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं रिया के साथ राइड कर रहा हूँ, तो इसकी कॉल आ गई थी कि यार शाफेस कहाँ पर हो, काफ़ी टाइम हो गया राइड करे हुए और मेरा मिलने का भी मन कर रहा है। मैंने कहा आ जाओ मैडम जी, आपका मिलने का मन कर रहा है और ऐसा हो सकता है मैं ना हूँ, तो मैं आ गया यार। बाकी वेदर तो यार ऐसे ही हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, जल्दी जल्दी से यार विंटर्स आ जाएँ फिर तुम्हारे लिए ब्लॉग लाया करेंगे प्यारे प्यारे से। बाकी यार यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं कॉलेज पे, एक सीन याद आ जाता है जो मेरे ऊपर प्रैंक हुआ था। रिया याले यहाँ की वीडियो देखी थी तुमने? हाँ। क्या सीन हुआ था? लड़की फ़ोन नहीं ना? हाँ प्रैंक जो कर रही थी मेरे ऊपर, समीर की फ्रेंड थी भाई वो, तो मेरे ऊपर प्रैंक हो गया था। तुम नहीं थे उस टाइम पे, क्या करती तुम? ओहो डॉन हो तुम, डॉन उस टाइम पे बन जाती। अच्छा और कोई मेरे को हाथ लगाएगा तुम्हारे सामने क्या करोगी? पिटाई कर दूंगी उसकी, बाल पकड़ पकड़ के पिटाई कर देगी भाई। डॉन बन गई रिया अपनी, डॉन बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो पेट्रोल जब भी फिल हो जाता है ना, इतनी अच्छी वाई बात है ना, कहीं पे भी ले जाओ बाइक को। बाकी यार मेरा मतलब लॉन्ग टूर का वो बनना है प्लान, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कहाँ पे जाना चाहिए मेरे को, जहाँ पे ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे तो वहीं पे चलेंगे यार लॉन्ग टूर पे। मैं ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा खज्जल करता है ना लोगों को, ये देखो तुम ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रहा है, तो एक तो ऊपर से धूप ऊपर से ट्रैफिक, तो बंदा कहाँ कहाँ से बाइक निकाल सकता है यार। कार वालों का सही है यार, एसी में बैठे हैं आराम से। हमारी कार कब आएगी? हमारी कार कब आएगी? न्यू ईयर पे आ जाएगी, तो रिया कह रही है हमारी कार न्यू ईयर पे आ जाएगी, बाकी तो देखते हैं। पक्का आ जाएगी? चलो गाइस रिया कह रही है अपनी कार न्यू ईयर पे आ जाएगी, देखते हैं इसकी कितनी बात सच निकलती है। तो न्यू ईयर पे ही लेंगे, न्यू ईयर की मतलब नए साल की शुरुआत अपनी कार से करेंगे ठीक है। तो न्यू ईयर के दिन वाला ही ब्लॉग आना है, कार वाला, कार डिलीवरी प्यारी होएगी ना कार। चलो गाइस ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, आप जल्दी जल्दी से व्यूज़ अच्छे अच्छे दिलाओ तो कार आ जाएगी जल्दी जल्दी से। हर जगह से मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा है, अब हम वाली सोसाइटी में आ गए जहाँ पे मैंने बाइक वॉश करवाई थी, और बाइक वॉशिंग हुई थी मेरी 2100 रुपये की। तो आपको पता है सीन क्या हो गया था लड़की के साथ वाला है रिया? 2000 रुपये करवा के गई थी लड़की मुझसे यहाँ से। क्या बोलना चाहोगी उसके बारे में? गलती उसकी, देखो नीचे वो करके चल रही थी यार, सबके पता है कि तो सामने से बाइक आ रही है, उसके बाद भी चले जा रही है। हाँ भाई गलती उसकी थी, देख रहा हूँ मेरा साथ दे रही है। सो गाइस हर जगह कुछ ना कुछ मेरे को याद दिलवा रही है, यहाँ पे बाइक वॉश करवाई थी और वाला सीन हो गया था, और क्या ही बोलूँ बस। तो बाइक आज भी वॉश करवा लें क्या? क्या साइड में बाइक रोकूँ? साइड में बाइक
रोक दी मैडम, अब बताओ क्या हुआ? चक्कर आ रहा है? ठीक हो? और रिया ठीक हो? क्या हुआ रिया? और रिया ओए क्या हुआ? उठो उठो, साइड में बैठा हो, उठो ना, उठो उठो, पागल हो क्या? ऐसे धूप हो रही है यहाँ पे, साइड में बैठा हो, क्या हुआ? हाँ चक्कर आ रहा है, पानी आएगा पानी आएगा। सो गाइस शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया, रुक जाओ पानी पियो, लो पानी पियो। मुंह धो लो, थोड़ा धो लो सही हो जाएगा। अरे भाई नहीं उतर रहा मेकअप, बेहोश हो रही है यहाँ पे, क्या हुआ एकदम हैं? आंखों के सामने काला, बाइक रुकवाई तो बाइक पे गिर जाती, बाइक रुकवा दी। अच्छा है, आओ साइड में बैठो फिर कहीं पे, ठीक हो अब हैं? ठीक हो पक्का? चलो अब तो नहीं आ रहा है, ओए ठीक हो, पियो पानी पियो। और तैयारी से एकदम चक्कर आ गया, धूप भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं कह रहा हूँ ना भाई ट्रैफिक और धूप जब होता है तो हालत ख़राब हो जाती है बंदे की। ठीक हो? चलो चलो, कुछ खाना नहीं है फिर? चल चलें, बाइक पे बैठ जाओगी, ऑटो करवाऊँ? ऑटो से चलना तुम, मत बैठ जाओगी पक्का अब? ठीक हो? चलो आओ चलते हैं गाइस। मोटी डरा रही हो, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। ओ यार याली जगह से कुछ याद आया, यहीं पे सीन हुआ था लड़की के साथ यहाँ पे। हाँ ये जगह ही बेकार है यार मेरे लिए शायद गाइस, तो इधर दोबारा नहीं आना यार, यहीं पे वाला सीन हुआ था मेरे लड़की के साथ, मतलब यहाँ पे हुआ था आगे याले पेड़ के आगे, और यहाँ पे रिया के साथ भी सीन हो गया। तो ये जगह ही बेकार है यार, जब भी आ रहा हूँ क्या पनौती है ये जगह? हाँ यार पनौती है बहुत ज़्यादा। अब ठीक हो चलें? तो गाइस अभी चलते हैं आपसे, वहीं पे जाके मिलते हैं। मैं कैमरा वगैरह ऑन नहीं कर रहा अब रास्ते में, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई थोड़ी। दवाई वगैरह तो नहीं चाहिए हैं? ठीक हो आओ, एक काम करो नींबू पानी वगैरह पी लेते हैं उधर से, ठीक हो जाओगी थोड़ी है। आओ बैठो। तो गाइस नींबू पानी वगैरह पिला देते हैं यार इसे, क्योंकि हैं कैप नहीं है, पानी फेंक दो, पी लो बैठो। तो गाइस सामने शॉप है मेरे यार, नींबू पानी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि इसे चक्कर वगैरह आ गए थे। मैं सोच रहा एकदम क्या हुआ इसे, कह रही है रोको रोको, ना मैंने तेज़ चलाई ना कुछ करा, तेज चलाता तो वहीं पे गिर जाती। उतरो, नींबू पानी वगैरह पियोगे, मौसमी का जूस वगैरह? जूस वगैरह की दुकान भी इधर ही है, अगर पीना है जूस नींबू पानी तो भी नींबू पानी वगैरह ले लेते हैं यार लड़की के लिए। तो भाई नींबू पानी ले लिया है, इसे दे देते हैं क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो रही है। बैठ जाओ बाइक पे बैठ जाओ, पियो आराम से। तो गाइस अभी जब यहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं वहीं पे मिलते हैं आपसे, क्योंकि इसका एसी हो रहा है आज। अब तो नहीं आ रहा चक्कर पक्का? पी लो ऐसा पूरा पी लो, ख़त्म, जाओ डस्टबिन में डालो, लाओ मैं डाल देता हूँ, कभी भाई फिर दोबारा से गिर जाइए और मेरे ऊपर ब्लेम कर दे, तुमने मुझसे डलवाया था और गिर गई मैं। चलें सुन लिया? हाँ तो चलो चलें, कुछ खाने पीने चलते हैं। बैठ जाओगी बाइक पर पक्का? ये ऑटो से करो, ये ऑटो करवा दूँ? नहीं चले। तो रिया तुम्हारी बेहोश हो गई गाइस, हो जाता है, कोई बात नहीं यार, धूप में मुझे भी आते हैं कभी कभी हेलमेट में, मेरा तो हेलमेट भी इतना भारी है तुम्हें पता है, तुमने तो हेलमेट भी नहीं लगा रखा जब भी चक्कर आके गिर रहा हो। सो फाइनली गाइस कुछ खाने पीने आ चुके हैं, और भाई मैडम जी को आज चक्कर आ गया था, क्या हुआ था? तबीयत ख़राब हो गई थी। अब ठीक है? अब तो ठीक है, ठीक है पक्का? नींबू पानी वगैरह पी के ठीक हो गई है? तो
कोई भी उठा लेता भाई रास्ते में, बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते हैं मेरे जैसे, जैसे कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ ऐसे कुछ और लोग भी होते हैं और तो वो हेल्प कर देते हैं, इसकी और कुछ नहीं होता। अच्छा और जाती नहीं स्कूल वगैरह? अच्छा तो अभी जल्दी से खाने पीने का वेट कर रहा है, मतलब कुछ ऑर्डर वगैरह आ जाए। बाकी तो यार सनलाइट मेरे मुँह पर पड़ रही है तो यहाँ पर बैठ के भी मेरे को गर्मी लग रही है, तो पीछे वाली टेबल पर बैठेंगे अभी। तो वैसे तो स्मार्ट आ रहा तुम्हारा भाई, जो बात है। कैसा लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम पक्का। तो हंस क्यों रही हो? बताओ बताओ ना। तो इस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी गिर जाती है, कभी मेरे ऊपर प्रैंक कर देती है, कभी कुछ कर देती है। बताओ बताओ नहीं अभी बताओ गाइस को भी। ये भी तो मेरी फैमिली है। एक सपना आया था, सपना बता दो अपना, मतलब मैं फैमिली से कुछ हाँ। बात अपनी नहीं छुपाता भाई। तीन जनों का ओके। पता कौन कौन हो सकते हैं? मैं, मम्मी तुम्हारी, और तुम? मैं और एक और थी। हाँ मेरी दोस्त। अच्छा फिर बताऊंगी बाद में। तो यार अभी ये बताने की नहीं, कुछ सीरियस बात है। तो सपने आते रहते हैं यार मेरे को, तो जब भी सपने आए ना ये बेवफा दिखी है मेरे को भाई। तीन साल का कब आऊँ, तीन साल में जब भी दिखे भाई हमेशा बेवफा बेवफा। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो लड़का मतलब जो लड़का या जो लड़की जैसी भी है वो सपने में ऊपर वाला दिखाता है भाई, ऐसा है भाई हट जाए जल्दी से इसके पास से, लेकिन मैं सुधरवा देता हूँ इसे। गलती नहीं करती तुम? तो वैसे गलती नहीं करती, हो जाती है भाई, मतलब करती नहीं है, हो जाती है। अब बताओ क्या कर सकते हैं यार। तो अभी तो ऑर्डर वगैरह का वेट ही कर रहा है, फिर हरकत है इसकी भाई, हरकत है नहीं जाने की। इसे कुछ भी समझा लो, कुछ भी, हाथ हटाओ ना। देखो इतिहास गवाह, जिसने भाई आशिकी करी है बर्बाद हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई जिसने भी मतलब लवर मतलब रिलेशन को सीरियस लिया है ना, उसके एंड में एल लगते ही लगते हैं, ये बात है। तो मैं सीरियस लेता हूँ, मेरे हमेशा लगे हैं भाई, समझ लो क्या लगे हैं। तो इसकी वजह से तो बहुत बार लगे हैं, बहुत ज़्यादा बार हर्ट करा इसने मेरे को। हटो हटो पीछो भाई, इससे नहीं लगना मेरे को कुछ। तो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर मिले थे कुछ, हाय कर दो भाई सारे। तो भाई कह रहे हैं भाई की फैक्ट्री, किस चीज़ की फैक्ट्री है भाई आपके? जी हमारी बैग की हो गई। इसके बैग स्कूल बैग, स्कूल बैग की है। चलो भाई मेरे को भी एक बैग चाहिए, सही है? चलो भाई ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहो, ठीक है? ओके भाई, बाय बाय भाई, ठीक है, बाय 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 बाय। सो गाइस अभी अपना एक और प्यार आ रहा है, दिखाता हूँ मैं क्या प्यार आ रहा है अपना। तो यार इसे भी जल्दी से जल्दी बाय कर लेंगे, तो अपना प्यार अपने पास आके रुकेगा। कॉल आ गई थी, मैंने एक विली मारी थी तो मेरे पास कॉल आ गई, भाई विली मारते हुए लेके जा रहा हूँ, रुक जाओ ज़रा हमारे लिए भी। तो अभी इनसे मिलते हैं अपने भाइयों से। यार क्या है, क्या है भाई का ही होगी एक टाइम। तुमने साबित भाई है, ये कह रहा तुम्हें साबित भाई का पास चल। हाँ यार थार का लुक चेक करो तुम, थार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार। थार का तो कोई जवाब ही नहीं है, कुछ भी कहो यार। सो फाइनली गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ। तो यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, जैसे कि आपने देखा आते मैं थार से वहाँ पे चले गए थे 24/7, तो वहाँ पे रेडबुल वगैरह पीती क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जल्दी कमेंट करो, जो भी आपके होगा उस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट ब्लॉग होगा। बाकी तो अच्छा गया यार दिन, जो भी था जैसा भी था, रिया बस बेहोश हो गई थी यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तुम सोच सकते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ऊपर से गर्मी, तो हालत ख़राब हो जाती है यार इंसान की। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।